गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आप लोगों की 16 नवंबर से शुरू है। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले ही जो है यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स का जो फॉर्म का स्टेटस है, जो एप्लीकेशन का स्टेटस है, वो जारी कर दिया गया था, है ना। और बाकी जितने भी राज्य हैं उनका अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि उनके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर यूपी बिहार के स्टूडेंट्स के ही फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है ना। अब यहाँ पर जो सवाल आ रहे हैं कि क्या पहले यूपी बिहार के ही एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होंगे, बाकी जो राज्य है उनके एग्ज़ाम बाद में होंगे, बाकी जो स्टेट्स है उनके जो फॉर्म का स्टेटस है वो कब जो है दिखाया जाएगा, इसकी अपडेट है आप लोगों को सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है कि आप लोगों के जो बाकी राज्य के जो फॉर्म के स्टेटस दिखाने के वो कब से जो है दिखाने शुरू हो जाएंगे, आप लोगों के जो एग्ज़ाम सिटी एंड डेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो कब से जो है आप लोगों को दिखाई जाएगी, और आप लोगों की जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर आपके कब से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट एसएससी जीडी से जुड़ी आप लोगों तक पहुँचती रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो अभी भी आपके पास समय है ना। अभी भी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है छक्सु प्रकाशन का, ये आप देख पाएंगे यहाँ पर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। इसको जो है आज भी आप ले सकते हैं, या फिर आप अपने आजू बाजू की जो दुकानें होती हैं वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। इसमें जो है आपके 20 प्रैक्टिस सेट, 8 शॉर्ट पेपर भी आप लोगों को मिल जाते हैं, 3200 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाते हैं आपके सिलेबस के अनुसार, जो आप लोगों के अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसको आप ले लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। काफ़ी बेस्ट प्रैक्टिस सेट आप के लिए रहने वाला है, और इसका रिव्यू भी काफी अच्छा जो है आ रहा है बाकी जो स्टूडेंट्स ने जो है लिया हुआ है, ठीक है। तो ये अपडेट थी। अब यहां पर हम बात करते हैं बाकी चीजों के ऊपर। देखिए, पहली चीज़ तो जिन लोगों के मन में डाउट है कि जिनका जो स्टेटस है वो पहले दिखा दिया गया है तो उनकी एग्ज़ामें भी पहले होगी, ठीक है। एसएससी ऐसा नहीं करती है, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी आप लोगों के सेंटर्स बने हैं सभी स्टेट्स में बने हैं, और आप लोगों की जो एग्ज़ामें हैं वो साथ ही में कंडक्ट होने वाली है हर स्टेट की, ठीक है। पहला डाउट तो ये क्लियर कर लीजिए कि यूपी बिहार का स्टेटस पहले दिखा दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के यूपी बिहार के एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हो जाएंगे और अंतिम में आपने बाकी राज्य के जो एग्ज़ाम है कंडक्ट होंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज है 1 नवंबर, और आज से लेकर 5 नवंबर तक आप लोगों के सभी जितने भी स्टेट्स हैं, आप लोगों के जितने भी रीजन्स हैं, सभी के फॉर्म का स्टेटस, एप्लीकेशन का स्टेटस दिखा दिया जाएगा 5 तक, कि आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों का 5 तारीख तक का शेड्यूल रहेगा एसएससी का। और आप लोगों को बता दें, 5 यानी 6 तारीख से आप लोगों के जो एग्जाम सिटी, एग्जाम डेट, आप लोगों की एग्जाम 15 नवंबर को है या फिर 16 नवंबर को है या फिर जो है 15 दिसंबर को है, यानी शुरुआत में है, लास्ट में है, या फिर बीच में है, आपकी एग्जाम कब है, दूसरा कहां पर आप लोगों की एग्जाम में आपको सेंटर दिया गया है, ये चीजें जो है आप लोगों को 6 नवंबर से दिखाने शुरू हो जाएंगे, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, है ना। और दूसरी चीज, यहां पर अगर हम बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड की, तो आप लोगों को जो है 10 के बाद से आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना, जिनकी एग्जाम शुरुआत में होगी उनके जो है एडमिट कार्ड भी जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजों को लेकर जो है सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, आपके पास काफी अब कम समय है। यहां पर एक चीज ध्यान देंगे कि आप लोगों के पास अब जो समय बचा है वो आप लोगों के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है। अब यहां से आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये समझ के चलिए कि 15 दिन आप लोगों की एग्जाम है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होने वाला है, 1 से लेकर 5 तक आप लोगों का जो है सभी स्टेट्स का फॉर्म का स्टेटस दिखा दिया जाएगा, बाकी आप लोगों के 6 से लेकर जो है आप लोगों के एग्जाम सिटी एंड डेट्स की इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को बता दी जाएगी, और जिन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उनके ही एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होंगे 10 के बाद से। लगातार जो भी अपडेट आती है वो आप लोगों तक मैं पहुंचाता हूं सही और सटीक। चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करें। काफी कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी तक बाकी स्टेट्स का जो फॉर्म का स्टेटस है वो नहीं दिखाया गया, तो यहां पर ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों के जो एग्जाम है जिनका पहले आया है उनका ही जो है पहले एग्जाम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो यह अपडेट थी, इंपॉर्टेंट थी, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं, कोई और अपडेट आती है तो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।